हाय माय नेम इज़ नवनीत मलिक और आप देख रहे हैं बाजू का स्टेट्यून मैं बाजू के साथ पोल खोल सेगमेंट करने वाला हूँ और बहुत लोगों की पोल खुलने वाली है देखते हैं आर यू रेडी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा केयरिंग कौन करता है आपका कौन से ऑन सेट बा मेरी जो माँ बनी हुई इसमें केसर बा बताना चाहेंगे आप uh, एक तो हमारा रिलेशन ऐसा है और हमने मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि आप वेब शो और इसमें सीरियल में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशन को मेंटेन करते तो मैंने बोला था कि जो रियल कैरेक्टर होंगे जो सेट पे कैरेक्टर होंगे मैं उनको जीना चाहता हूँ तो उनको मैं बा की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे ही सेम वो मुझे माँ की तरह रिस्पेक्ट करती हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं डिस्कस करता हूँ उनसे मुझे लगता नहीं कि माँ में एक रियल और उनमें ऐसा कोई डिफरेंस है मुझे मुझे जेन लगता है कि वो मेरी उतनी रिस्पेक्ट है जैसे मेरी मॉम करती हैं डायरेक्टर साहब वो पीछे बैठे हैं तो वो थकते नहीं है यार वो सुबह बजे बजे आएंगे रात के एक जो तो चलाते रहेंगे और सबसे उनको जुप पता होता है क्या करवाना है किसको क्या बोलना है और पूरा दिन ऐसे लगे रहते हैं नॉन ड्रॉपी कौन है आलसी टाइप का।, आल का मामा नहीं मामा नहीं आ, सेट पे बहुत एनर्जी रहती है सेट के बाद में यूँ बैठे रहते हैं

Uh, एक दो सीन खत्म होने के बाद अगर मुझे पाँच दस मिनट का टाइम लगा तो मैं पावर नैप्स लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट शॉट के लिए रिफ्रेश हो जाऊँ तो वो मैं प्रोफेशनली करता हूँ ताकि मैं कैमरे पे बेटर परफॉर्म कर सकूँ यस तैयार बा अगेन क्योंकि उनका थोड़ा गेटअप है ज़्यादा हेयर और पूरा गेटअप में टाइम yes. लगता है तो बेसिकली उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा है प्रोफेशनली पर्सनली मैं नहीं बोलूँगा पर्सनली बहुत टाइम पर आती हैं और टाइम से रेडी होने लग जाती हैं वो मूड बूस्टर सारे मोस्ट सारे कमाल के हमारे एक्टर और डायरेक्टर डायरेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सेना के सेनापति वही हैं अगर वो हमें बूस्ट नहीं करके कर रखेंगे तो सबकी एनर्जी डल हो जाएगी तो वो जनरली बहुत हमें इंटरटेन करते करते रहते हैं बीच बीच में कुछ मजाक मस्ती चलती रहेगी तो यस माई डायरेक्टर सर अगेन डायरेक्टर साहब सारी ट्रॉफी गोज टू डायरेक्टर सर आ, वो करते ही रहते हैं कभी मेरे बारे में किसी लड़की को बोल देंगे तेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा था मगर सर फिर बोलेंगे बता क्या बात कर रहा था मैं खुद ही बोल देता हूँ सर आप ही बता दो क्यों मेरे मुँह से सुन रहे हो <laughs> तो करते रहते हैं सो मजाक मस्ती चलती रहती है यस yes. तो लेट कौन आता है आपे? सबसे ज़्यादा लेट यार अभी तक तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है जो लेट आता हो मैं हमेशा दस मिनट लेट आता हूँ प्रोफेशनली क्योंकि मैंने उनको बोल रखा मेरा हेयर वेयर ना मैं अपने वहाँ से करवा के आता हूँ तो मैं दस मिनट जो यहाँ पर लगाने वाला हूँ तो दस मिनट वहाँ पर मैं दे के आता हूँ तो उस तरीके से आप बोल सकते हो बोलना ही है तो नहीं तो लेट तो कोई नहीं होता सब प्रोफेशनल देखे देखे है गप्पे अगेन हमारी करीना जी जो है ना जो हमारी छोटी बहन बनी है तो वो बहुत बात उनी है चौदह साल की है पर बहुत ही बात हुई है पूरा दिन खाती रहेंगी उनको उस साइड से उस साइड उस साइड से बात करनी होती है और पर अच्छे वे में पॉजिटिव साइड में यस Thank you very much, brother, and thank you so much for coming here and doing this. Thank you very much.